अनिल चंद्र सा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण हुआ तो शुक्रवार को ताजपोशी हो गई। अमित भाई अनिल चंद्र शाह अब देश के नए गृह मंत्री हैं और उनके कंधों पर है देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा। गृह मंत्री का रुतबा सरकार में आमतौर पर नंबर दो का होता है, लेकिन इस रुतबे के साथ अमित शाह के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। आतंकवाद से लड़ने की चुनौती, नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने की चुनौती, बांग्लादेशी घुसपैठियों से निपटने की चुनौती। गृह मंत्री अमित शाह कैसे करेंगे इन चुनौतियों का सामना और किस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को बनाया है अपना सबसे बड़ा सिपहसालार, ये आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कैसे संगठन से लेकर सरकार तक में इन दोनों की जोड़ी हिट रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पिछले तीन दशकों से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तीन दशक पहले गुजरात की राजनीति में जब बीजेपी की हैसियत विपक्षी दल से ज्यादा नहीं थी तो मोदी शाह की जोड़ी ने ही गुजरात के गांवों की मिट्टी में पहली बार कमल खिलाया था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। गुजरात के सीएम की कुर्सी से दिल्ली के पीएम की कुर्सी तक के नरेंद्र मोदी के सफर के शिल्पकार भी अमित शाह ही माने जाते हैं। 2014 में अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 71 लोकसभा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था तो 2019 में अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी देश भर में 303 के आंकड़े तक पहुंच गई। अमित शाह के संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का लोहा आज विरोधी भी मानते हैं। कहा जाता है कि मोदी और शाह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों दशकों से एक साथ हैं, वो एक जैसा सोचते हैं और एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। यही वजह है कि जहां नरेंद्र मोदी होते हैं वहां अमित शाह भी होते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की महाविजय के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब अमित शाह नरेंद्र मोदी के लेफ्टिनेंट होंगे। मोदी और अमित शाह की जोड़ी सरकार में भी वही करना चाहती है जो उन्होंने पार्टी में करके दिखाया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक साथ काम करने आई हो। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो अमित शाह उस वक्त भी मोदी के सबसे करीबी थे। गुजरात की मोदी सरकार में अमित शाह के पास गृह मंत्रालय का जिम्मा था। अमित शाह 2003 से लेकर 2010 तक गुजरात के गृह मंत्री रहे। अमित शाह के कार्यकाल में ही इशरत जहां और सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर हुआ। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में अमित शाह को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन दिसंबर 2014 में सीबीआई की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। कहा जाता है कि जेल में ही अमित शाह ने कांग्रेस के खात्मे की प्रतिज्ञा ली थी, जिसे उन्होंने हकीकत के धरातल पर भी उतार दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कभी चुनाव नहीं हारा है। इतना ही नहीं, हर बार उन्होंने जीत का अंतर भी पहले से बढ़ाया है। कहा जाता है कि अमित शाह चुनाव की तैयारी जंग की तरह करते हैं। 2014 में बीजेपी की कमान संभालने के बाद ही अमित शाह ने 2019 की तैयारियां शुरू कर दी थी। अगस्त 2014 से सितंबर 2018 तक देश भर में 7,90,000 किलोमीटर की यात्रा की। देश भर में जिला स्तर पर उन्होंने पन्ना प्रमुखों के सम्मेलनों को संबोधित किया। यही रणनीति 2019 की बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का आधार बनी। भारत माता की। 2014 की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को मैन ऑफ द मैच कहा था तो 2019 की जीत के बाद तो वो मैन ऑफ द सीरीज बन गए। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने इस बार उन्हें देश के गृह मंत्री की अहम जिम्मेदारी दी है। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह देश के दूसरे सबसे बड़े शक्तिशाली मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के समय अमित शाह देश की बागडोर संभालेंगे। अब अमित शाह को यह साबित करके दिखाना होगा कि उनकी रणनीति सिर्फ चुनाव की रणनीति बनाने या संगठन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनको एक कुशल प्रशासक भी बनना होगा। अमित शाह अब देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन इस पद पर उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। अमित शाह के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर है।
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धारा 370 और धारा 35A को हटाने का वादा किया है, जबकि कश्मीर के नेता और अलगाववादी सरकार के इस कदम के सख्त खिलाफ हैं। ऐसे में बतौर गृह मंत्री शाह की सबसे बड़ी परीक्षा इसी मोर्चे पर होगी। इसके साथ ही कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती भी शाह के सामने है। आतंकवाद के साथ ही नक्सलवाद का नासूर भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। देश के कई राज्य नक्सलवाद के नासूर से पीड़ित हैं। नक्सली अक्सर घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं, जिसमें हर साल दर्जनों जवान शहीद हो जाते हैं। ऐसे में नक्सल के नासूर को नेस्तनाबूद करने की ठोस रणनीति बनाना भी अमित शाह के लिए एक बड़ी चुनौती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से निपटना भी अमित शाह के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। असम बीजेपी एनआरसी के समर्थन में है, तो बीजेपी नेता पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी लागू करने की वकालत करते रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुलकर एनआरसी का विरोध कर रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अमित शाह कैसे देश को विदेशी घुसपैठियों से मुक्ति दिलाएंगे। आतंकवाद, नक्सलवाद और घुसपैठ का दंश देश पिछले कई दशकों से झेल रहा है, लेकिन गुजरात से अमित शाह ने आतंकवादियों का जिस तरह सफाया किया था, उससे उम्मीद की जा सकती है कि बतौर देश के गृह मंत्री आने वाले वक्त में वो कई बड़े और साहसिक फैसले ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।